आम आदमी पार्टी की सरकार नूं हजे महीने तीन होए आ लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े हालात अज पंजाब दे बना दिते ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो बनाए नहीं। कई बार हाथ नाल दित्तियां मूंह नाल खोलनियां पै जांदियां ने। सो हालात जिहड़े अज दे पैदा किए हुए ने उन्होंने पैदा किए हुण चाहे जो मर्जी रौला पाई जाए। थोड़े विरोधी कहते नजर आए कि अंदर तानाशाही शुरू हो चुकी है। जो भगवंत मान ने कुल्लू मनाली जाना सी तो यह मतलब यह नहीं भी जीरो आवर च विरोधियों का टाइम ना दिता जाए उन्होंने। झोने की बिजाई इस वेले शिखर ते सी ये भी रीजन हो सकते हैं, पर यह नहीं है कि लोगों का इंट्रस्ट कितने घट सीगा, लोगों का कितने फतवा दिता हुआ उहदे च कोई कमी दसी सी इस वारी ये नहीं आप कह सकते। आम आदमी पार्टी की सरकार का धुरा किसी नूं मन्निया जांदा तो लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी संगरूर आ, एंड वेरी श्योर उत्थे रेपुटेशन दोबारा होना ही होना आम आदमी पार्टी की सरकार का। सदन की कार्रवाई जिहड़ी दूजे दिन की पूरी हो चुकी है, मेरे नाल प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने। मैडम की देखते हो, विरोधी लगातार तुहानूं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से घेरते नजर आ रहे हैं, कदे बाहर घेरते हैं चोणां च ते कदे विधानसभा सैशन च। नहीं देखो, ये बहुत माड़ी गल आ कि विरोधी हुण इस वेले कहण कि लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा सही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार नूं हजे महीने तीन होए आ, लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े हालात अज पंजाब दे बना दित्ते ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो बनाए नहीं। सो जे ये अज नाजुक हालात बने ने, मैं कहूँगी ये जिम्मेवारी अकाली दल की कांग्रेस सरकार की फिक्स हुंदी है, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर दियां धज्जियां उड़ाइया तो वो खमियाजे जिहड़े अज वो भुगतने पै रहे हैं। हजे मतलब नो डाउट एक लोगों ने बड़िया उम्मीदा आसा दे नाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, बट ऑफकोर्स किसी सिस्टम नू ट्रैक ते लैके आउण दे लई मैनू ऐ लगता भी थोड़ा जिहा टाइम उन्हूं लगता हुंदा है। सो आ जिहड़े हालात पैदा किए ने वो कहिंदे हुंदे आ कई बार हाथ नाल दित्तियां मूँह नाल खोलनियां पै जांदियां ने। सो हालात जिहड़े अज दे पैदा किए हुए ने उन्होंने पैदा किए हुण चाहे जो मर्जी रौला पाई जाण। कह रहे हो हालात उन्होंने पैदा किए हुए, लेकिन हुण तुहाडे विरोधी कहिंदे नजर आए कि अंदर तानाशाही शुरू हो चुकी है। जे भगवंत मान ने कुल्लू मनाली जाना सी तो इहदा मतलब यह नहीं भी जीरो आवर च विरोधियों का टाइम ना दिता जाए उन्होंने। नहीं नहीं, यह नहीं गल हुंदी। देखो बकायदा कल टाइम की एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, टाइम डिवाइड किया गया 55 मिनट कुछ जड़े ओपोजिशन के बनते सी, जिदों चों 57 मिनट ऑलरेडी उन्होंने पूरे कर दिते, यानी कि कल हाउस शाम के 7 बजे तक जो कॉन्टीन्यूटी रही तो इस करके रही सी कि उन्हें जी प्रोसैसिंग अज पूरी कर दी जाए। सो यह वाधू के इल्जाम आ जोड़े इस वे लाए जा रहे हैं, कोई रोकी टोकी नहीं सी, कुछ नहीं सी, वधिया तरीके नाल कल सब ने अपनी गलबात रखी है। इस तरीके दे नाल तुसीं कह रहे हो कि वाधू दे इल्जाम आ, पर तुहानूं नहीं लगता भी इल्जाम भारी पै गए सी जां इस तों पहलां जिहड़े इल्जाम लगदे सी कि संगरूर जिमनी चोण च जो वोटिंग परसेंटेज घटी है वह विरोधियों के जो दोष कह लिए जां विरोधियों के शब्द ने कि सरकार तों मोह भंग होया। वोटिंग परसेंटेज घटनी अलग चीज़ आ, पर जे असी उहदे रिजल्ट बनी वेखीए उहदा रिजल्ट की आउंदा उहदी अलग चीज़ आ। जे असी लोकां दे विच जा के उहनां दा उहनां दे व्यूज़ लईए तो वह की कहिंदे सीगे, मेरी लगातार उत्थे ड्यूटी रही है मलेरकोटला हल्के दे विच जिथे पब्लिक दा इक्को व्यू सीगा कि सानूं जे पहली बारी कोई सकून वाली सरकार मिली आ। सो ये गल्लां एवें नहीं निकल के आउंदियां हुंदियां, ठीक है कुछ हालात हावी होणगे, कोई सरकमस्टांसिस हावी होणगे, या फिर झोने की बिजाई इस वेले शिखर ते सी ये भी रीजन हो सकते आ, पर यह नहीं है कि लोगों का इंट्रस्ट कितने घट सीगा, लोगों का कितने फतवा दिता हुआ उहदे च कोई कमी दसी सी इस वारी ये नहीं आप कह सकते। जिनी दे रिजल्ट साडा ड्यू आ और वेरी पॉजिटिव तरीके दे नाल उत्थों दे पब्लिक ने साथ दिता आ, सहयोग दिता आ, जिहड़ा क्लीयर दसदा कि अज भी लोग जे आम आदमी पार्टी की सरकार का धुरा किसी नूं मन्निया जांदा तो लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी संगरूर आ, एंड वेरी श्योर उत्थे रेपुटेशन दोबारा होना ही होना आम आदमी पार्टी की सरकार का। लगता नहीं भी जेकर 45% वोट परसेंटेज है, हालांकि कदे 80% सी कदे 72% 73% होंदी है, तो जिस तरीके नाल अध ते पहुंचना है तो जरूर पार्टी प्रति लोगों का ओ देखो ओ ऐ नहीं हुंदा, जदों सरकार बनाउणी आ तां ऑफकोर्स लोगों का रुझान जिहड़ा वध हुंदा है वोटां पाउण दे लई कि सरकार बनाउणी आ, जदों एक सीट ते वोटिंग हो रही आ तो यह भी रीजन हो सकता कि उत्थे लोगों नूं थोड़ा इंट्रस्ट लग्या होवे, उन्हां नूं क्लीयर ही होवे कि जिहड़ा फतवा आम आदमी पार्टी की सरकार दा है। वड्डी गल इक, पहली पंजाब दी इलैक्शन आम आदमी पार्टी की सरकार च बाय इलैक्शन ऐसी सी
जिथे कोई नशा नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई शराब नहीं, बिल्कुल इमानदारी नाल पोलिंग हुई है, किते बूथ कैप्चरिंग नहीं। अज तक जड़े हुण कह रहे ने हाउस दे विच सानू बोलण दा समा नहीं दिता, लॉ एंड ऑर्डर दीआं गल्लां करदे ने, बाय इलैक्शनां च इन्हां ने धज्जियां उड़ाईआं होईआं, लॉ एंड ऑर्डर दीआं धज्जियां, पर लोकां ने आपदी आप अपने मन नाल सोच के जड़ी वोटिंग आ उह संगरूर लोक सभा च कीती आ ते इक ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।